दोस्तों, मैं अर्जु अर्जु की रसोई में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए नई डिश लेकर के। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, जिसके लिए हमने लिया है ब्रेड, खीरा, मेयोनीज, गाजर, बंदा गोभी, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, नमक बाद में हम डालते हैं। और चलिए दोस्तों, बनाते हैं इसे फटाफट और शाम के चाय के साथ लेते हैं इसे। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ये खीरा, ये बंदा गोभी, ये गाजर, सबको मैंने इस तरह लच्छे में काटा है। ये देखिए, इस तरह से कटिंग, तो आप किसी तरह क्यूब में भी काट सकते हैं, बस बारीक कटी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, जितना आपको लगे। भी वेजेस डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च वगैरह, येलो में, पिंक, रेड में, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को यही पसंद है, इसलिए मैंने यही डाला। अब हम ये ऑरेगानो ले रहे हैं, इससे एक फ्लेवर आता है जो एकदम टेस्टी फ्लेवर आता है। ये भी आप अपने अंदाज से, जितना आप बना रहे हैं, आपके ये सब्जी जितनी भी हो उसके हिसाब से। अब इसमें हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा तीखा ना हो उस हिसाब से आप लें। थोड़ा चाट मसाला, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, बस टेस्ट के लिए हमें चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये मेयोनीज, वेज मेयोनीज है ये। इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह से। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं सारी सब्जियों को, शाम के नाश्ते के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में, या आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, गेट टुगेदर कुछ भी वगैरह वगैरह आप इसे बनाएं। देखें इसका फ्लेवर, ये मुझे मेयोनीज कम लग रहा है, इसमें मैं और मेयोनीज डालने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि मेयोनीज ही मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका। ये देखिए, खुशबू तो इसमें अभी से आने लगी है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इसको बनाने में, और सामान भी वही सब है जो आपके घर में अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में मिल जाता है, आपके मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अब देखिए आगे के प्रोसेस। ये देखिए दोस्तों, मैंने ब्रेड लिया है, आप चाहें तो इस साइड को कटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इस तरह से ही अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, तो मैं घर के लिए तो वैसे ही बनाती हूँ, बच्चों को लंच बॉक्स में भी देती हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाती हूँ। और भी ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने तैयार कर लिया है ये तीन ब्रेड। अब इस पे एक पे एक ब्रेड, एक पे एक ब्रेड, जितना आपको बनाना है, ये तो आपकी क्वांटिटी है, दो बनाएं, एक बनाएं, जितनी मर्जी हो, आपके खाने के ऊपर डिपेंड कर रहा। ठीक है, ये हमने ऐसे तैयार करके रखा है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सैंडविच है तो शेप तो ज़रूरी है, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। और अभी हम चाय के साथ इसे खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सैंडविच बनके तैयार है, और हमने सॉस रखा है, बच्चों को हमारे सैंडविच के साथ सॉस बहुत पसंद है, वो इनके साथ खाएंगे, आप भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं, बच्चों के लंच में दें, हस्बैंड के लंच बॉक्स में दें, गेट टुगेदर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी रेसिपी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है हमारे लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।